की तरफ। तो बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, और बॉन्डिंग डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स कौन से स्ट्रांग। तो हमारे सामने स्ट्रांग लिगेंड की एक सीरीज बनी हुई है जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो व्हेन लिगेंड अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग एब्जॉर्ब वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप देख लो और इस सीरीज को आंखों में बसा लो, इसके बिना बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो हम इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हटा रहे हैं और अब आगे इसके बाद सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले। तो डाल लो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की स्ट्रक्चर ऑक्टाहीड्रल होती है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन दो होती है, D2SP3 और एक होती है SP3D2। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमको कैसे पता लगे कि SP3D2 है कि D2SP3। अगर हमको क्वेश्चन करने से पहले ही ये बात पता लग जाए तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन करते समय आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक जिससे आपको करने से पहले ही पता लग जाएगा कि SP3D2 है या D2SP3। ध्यान से देखना, कोबाल्ट नहीं, कॉपर जिंक एल्युमिनियम निकल दूसरा तरीका ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या कोई बीकर लिगेंड, ठीक है ना, 6 times attached तो भी हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 हो। इसको हम आउटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है बाह्य संकुल, और इसको कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः संकुल। इसके मैग्नेटिक मोमेंट कम होते और इसके मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा मोर होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, ये Ni(H2O6+2), बताओ इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि निकल से 6H2 अटैच्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP3D2। मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ कोबाल्ट F6 -3 SP3D2। तो अब हमें करने से पहले ही पता लग गया है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, तो हम बहुत आसानी से उसे, अगर हमको आती भी नहीं है, अगर MCQ कर रहे हैं तो देखते ही क्वेश्चन हो गया, और अगर बोर्ड का कर रहे हैं तो कम से कम गलत तो नहीं करेंगे, क्लियर। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाइब्रिड। और बोर्ड में कुछ हाइब्रिडाइजेशन करना या पेपर पर हाइब्रिडाइजेशन करना एक प्रोसेस है जो आपको आना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है K4 Fe-CNC। तो क्या कोई देखते ही बता सकता है कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा? Excuse me, sir. हाँ, सर, आपकी वीडियो अटक रही है। वीडियो अटक रही है, ठीक है, देख अब नहीं अटकी। अब नहीं अटक।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2SP3, क्लियर। क्योंकि ना तो कॉपर है, ना निकेल है, ना जिंक है, ना एलुमिनियम, ना फ्लोरीन, ना क्लोरीन, ना ब्रोमीन, ना आयोडीन, या कोई भी वीक लिगेंड नहीं है। अब प्रोसीजर देखना, जिनको कहीं पर लिखना सीखना है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अगर आपको 26 नहीं पता है तो आपकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी, आगे गाड़ी चलने का कोई चांस। अब देखो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ। इसको तो 4s पर लिख दो, और इसको कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d6, क्लियर। अब आगे देखो इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, जो हमने कैसे निकाली, 4 पोटेशियम का 4 प्लस x आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, और 6 साइनाइड है, एक का -1 = 0, x बराबर 2। तो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब पहले डी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर एस में से? तो पहले एस में से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d6 4s3। और मैंने इस इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल फॉर्म में रख लिया। डी में 5 ऑर्बिटल होती है, और एस में 1 ऑर्बिटल होती है, और पी में 3 ऑर्बिटल। डी में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया। यहां तक सारा मैंने देख कर किया। अब मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, ये लाइन आपको हर बार हाइब्रिडाइजेशन में बोलनी पड़ेगी। और लाइन क्या है कि हमें कितने लिगेंड अटैच करने, जितने लिगेंड अटैच करने हो उतनी ही वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। पर क्या 6 है क्या? ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं 6 cn रिक्वायर ऑर्बिटल। कितनी ऑर्बिटल है? 4 ही है। अब 4 में 6 तो जुड़ नहीं सकते, तो अब 6 करने के 2 चांस है। अब हम देखेंगे सीएन कैसा लिगेंड है। सीएन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सीएन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो कॉस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो देंगे, पर उतनी ही खाली करनी है जितनी जरूरत हो। ये नहीं तुम सारी पेयरिंग कर दो, बिना जरूरत के कर दो। हमें कितनी और चाहिए? हमारे पास 4 वैकेंट हैं, 4 खाली हैं, तो 2 को खाली करना है। तो हमें ये और ये खाली चाहिए, तो हमने इनको कुदा के पीछे भेज दिया। हाँ, सर वीडियो अटक रही है दोबारा सर। यहाँ आ गया, ये यहाँ, क्लियर। ठीक है, अब देखो अब देखना, एक पीएन यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लॉन पेयर देगा, दूसरा वाला यहां पर देगा, तीसरा वाला यहां पर देगा, चौथा वाला यहां पर देगा, फिफ्थ वाला यहां देगा, और सिक्स्थ वाला यहां पर देगा। 6 के 6 साइनाइड अटैच हो गए, 6 के 6 साइनाइड अटैच हो गए।
देखो किसी को डाउट है तो देखो कितनी डी लग गई, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व, टू, तो दो तो डी लग गई और कितनी एस लग गई है, एक वन एस लग गई और कितनी थ्री, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, डी टू एस पी थ्री। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। अगर अनपेयर्ड होते तो हम इस फॉर्मूले से, इसको हम स्पिन स्पिन फॉर्मूला बोलते हैं, तो स्पिन स्पिन फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते थे। यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड। क्लियर टॉपिक? कॉपी हो जाए तो बता, आराम से कर लो। पहले एग्जाम्पल को लिखना जरूरी है, ये समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल है K3Fe3, देखते ही पता लग गया D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो। एटॉमिक नंबर अभी भी 26 ही है, बट यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, कितने साइनाइड जोड़ने, 6। 6 साइनाइड के लिए कितनी ऑर्बिटल चाहिए, 6 है कितनी, 4। तो देखेंगे क्या CN स्ट्रॉन्ग है। यस, CN स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कूदेंगे तो इस तरह पेयरिंग हो जाएगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो देखो एक साइनाइड, दो साइनाइड, तीन, चार, पांच, छः, तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 नहीं D2sp3, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए 1 + 2 = √3 और √3 की वैल्यू 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आसान सर तरीका बता रहा हूँ। अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो 0.73 जोड़ना है, इसके बाद अगर दो हो तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसमें 0.83 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी लिख दो। जैसे 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.83, 4 है तो 4.83 और 5 है तो 5.8। क्लियर है? कॉपी कर। यस, ये डन। K3 वाले तो फटाफट K3 वाले को कॉपी कर और डेफिनेट दो तीन एग्जाम्पल आप कॉपी करो। जैसे आपके ये दिमाग में फिट हो जाएगा, पहले कॉन्फिगरेशन लिखना है, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, फिर उसका कॉन्फिगरेशन लिखना है, फिर उसको ऑर्बिटल में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है कि कितनी ऑर्बिटल की जरूरत है। जितनी ऑर्बिटल की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन हैं क्या? अगर उतने इलेक्ट्रॉन हैं तो पेयरिंग की नीड नहीं है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। अगर उतने वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर लिगेंड को देखो, स्ट्रांग है तो पेयरिंग कर दो और वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, जिसका एग्जाम्पल मैं इसके बाद आपको बताने वाला। फिर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल।
अगर अंदर वाली डी लगे, अगर डी का ये एन एस के एन से कम हो तो इनर कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर एस और डी की वैल्यू बराबर हो तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। इनर कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं निम्न चक्रण हिंदी, और आउटर कॉम्प्लेक्स को हिंदी में उच्च चक्रण बोलते। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और ये काफी बार आ चुका है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ चुका है, एनसीईआरटी में सॉल्व। तो आप देखो फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अब हमें करने से पहले ही पता लग गया है कि आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो अगर कोई बच्चा आउटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ये उसकी गलती है। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, देख लो ये -6, -6 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया तो +3। कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। अब कितने फ्लोरीन अटैच करने हैं, कितनी ऑर्बिटल खाली पड़ी है। अब मैं पहले इसको हटा दूं जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं। तो अब 6 ऑर्बिटल के लिए क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है, नहीं। हम फिर से वही लाइन यहाँ लिख सकते हैं, पर एग्जाम में कभी मत अच्छा लिखना कि 6 ऑर्बिटल खाली है, 4 खाली है, 6 चाहिए। सिर्फ इतना लिखना फ्लोरीन इज ए वीक लिगेंड, फ्लोरीन वीक लिगेंड है इसलिए ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो आप देखो ये तो पेयर हो नहीं सकते, तो फिर 6 कहाँ से लाए। ये बिल्कुल ऐसा केस है कि घर पे कोई गेस्ट आ गए, अब घर पे कमरे खाली नहीं हो सकते, तो बताओ गेस्टों को कहाँ ठिकाओगे, पड़ोसी क्या कमरा लेके या होटल में। तो ये होड ही देखो लेंगे हम ना। चले होटल में और हमने कौन सी यूज कर ली। अब क्योंकि एस और डी का एन कैसा है, इक्वल 4 और 4, तो आउटर कॉम्प्लेक्स, तो एक फ्लोरीन यहाँ अटैच हो जाए, दूसरा फ्लोरीन यहाँ अटैच हो जाए, तीसरा चौथा फिफ्थ और सिक्स। हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 डी2। कितने अनपेयर्ड सर इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक सर मोमेंट 5.23 सर, 5.83। पर अगर आप 12th में हैं तो आपको करके दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी मार्किंग स्कीम में, आपकी मार्किंग स्कीम में इसको आधा नंबर मिल रहा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे काटेगा तो नहीं बोर्ड में, पर स्कूल वाला तो काट देगा। हाँ सर इसका 2√3 आना चाहिए ना सर। अरे मैथ से क्या तेरे पास, तुम हाँ ज्यादा सर, मैथ्स पढ़ लिए, √35 नहीं आएगा क्या। आपने लास्ट टाइम सर ये लिखवाया था 4S03D6। है हाँ सर, आपने कितना 3D5 ले रखा है, आपने 3D6 लिखवाया था लास्ट टाइम, तो नहीं जीरो भाई, इसका फाइव क्यों लिखा होगा, तुमने चेंज नहीं किया होगा। अच्छा ये कैसे 3D6 हो जाएगा, वो कोई और एग्जाम्पल होगा। है आपके तो सर सामने एक अगर ये मिनट सर। 3, ये +3 में जाएगा तो यहाँ पे 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से, और जो आप वैल्यू बता रहे हो वो किसी की वैल्यू ही नहीं है।
सिक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल नहीं है किसी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। रूट 35 ओके सर, अप्रोक्स 5.83 के आसपास है, क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कोबाल्ट F6, तो मैंने इस वैल्यू को हटा दिया। मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर से पहले हम मेटल का क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d2। इस एग्जांपल में मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर कितने है? फोर एस जीरो थ्री डी सिक्स का कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाए। अगर हम इसको देखें तो चार ही ऑर्बिटल खाली थी, तो छह फ्लोरीन के लिए हमें कौन सी ऑर्बिटल यूज करनी पड़ेगी, 4d यूज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन लग गए और ये रह जाएंगे एज इट इज। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही रह जाएंगे, 6 × 4। पर हम इतना कॉम्पिटिटिव में करेंगे क्यों, चार है तो आंसर। एक बार एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट 4.83 है, तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। तो देखो ढक्कन बनने के फायदे भी हैं, ठीक है ना। मैं आपको जो ढक्कन मेथड बता रहा हूँ वो सॉल्व करने के बाद में कंसेप्चुअल मेथड को मैं आपको बिना अकल के बता, कोई डाउट है कॉपी मार लो, अरे तो फटाफट कॉपी मार लो भी। तो अभी हो जाए तो हाय हेलो कर देना। एक क्वेश्चन डेफिनेट हर एग्जाम में आता है, चाहे आप 12 दे रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, सर चाहे आप जेई दे रहे हो। यस सर, आज आयोपिक नेम कर लिए थे सर, एक दो चीजें रह रही हैं, बताते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले बॉन्डिंग सिखा दें पूरी। ओके सर, बॉन्डिंग के बाद में वो डिस्कस हो गया भैया। तो हमारे सामने कोबाल्ट F6 की बॉन्डिंग है जो sp3d2 है, जिसको आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.83 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.83। हम देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Ni H2O6, और ये आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चल। तो निकल से अगर कोई लिगेंड 6 बार जुड़ जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि निकल, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम से कोई भी लिगेंड अगर 6 टाइम अटैच हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। निकल का कॉन्फ़िगरेशन होगा 28 है, 4s2 3d8, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना, क्योंकि देख लो निकल को x मान लिया, 6h2o0 = +2, तो एक्स इजुगल टू, तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 और 3d8। आपके सामने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 6 भरे हुए हैं 7 और 8। फिर से हमारा वही क्वेश्चन अराइज होगा, क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि कितने H2O हमको जोड़ने, हमको 6H2O जोड़ने हैं, 6H2O के लिए वैकेंट ऑर्बिटल 6 होने चाहिए,
अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दे तो क्या सिक्स ऑर्बिटल पॉसिबल है क्या? अगर तो मैंने पेयरिंग करके देख ली, पांच ही क्रिएट हो पाई, तो अब इसमें पेयरिंग हो सकती थी पर हुई नहीं, क्योंकि पेयरिंग के बाद भी छह नहीं क्रिएट हो रही। तो अब जो H2 अटैच हुआ है ना, वो 4D का इस्तेमाल करेगा, और 4D का इस्तेमाल करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गई क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp3d2, क्योंकि इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा Nn+2। वैसे तो देखते ही बता सकते हैं 2.83। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट, क्लियर है? कॉपी कर डाल। कॉपी कर डाल। और सेम हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं, Ni(NH3) में भी होगी, क्योंकि निकिल में जब भी छह लिगेंड अटैच होंगे। अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन हमसे कहेगा कि निकिल में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और तब भी ये आउटर बना रहा है, और वीक है तब भी आउटर बना रहा है, क्योंकि निकिल में पेयरिंग के लिए जगह नहीं है, सिक्स ऑर्बिटल नहीं क्रिएट हो सकती। तो दोनों में से किसी की पूछ ले, यही आंसर। कॉपी कर, तो Ni(H2O) को कॉपी करते ही हाय हेलो लिख दे, और कॉपी भैया आपको ही करनी है। कॉपी हो जाए तो बता दे। हो गई सर। तो हम यहां पर एक क्वेश्चन करने वाले, वो क्वेश्चन ये है कि कोबाल्ट NH3 6 इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब कोबाल्ट NH3 6 जबकि निकिल NH3 6 आउटर कॉम्प्लेक्स बना। दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट में भी अंतर है, दोनों के कलर में भी डिफरेंस है, तो हम देखते हैं ऐसा कैसे हो पाया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोबाल्ट लिख दिया, 6 NH3 जोड़ दिए, और ये प्लस, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर सारे लोग जानते हैं, 27, और अभी तक कोई नहीं जान पाया है तो जान, इसको एच पर रख फोर दो एच और टू इसको डी पर थ्री रख दो। सेवन इसमें कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो 4s0 और 3d6 में इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाए। बाकी सब हटा देता हूँ, इससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना। अब बताओ कितने अमोनिया जोड़ने? सिक्स सर। छह अमोनिया जोड़ने, सिक्स अमोनिया जोड़ने के लिए सिक्स वैकेंट सिक्स अमोनिया जोड़ने के लिए सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो क्या है, क्या सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल? ठीक है ना, सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो विज्ञ पेयरिंग होगी या नहीं? पेयरिंग नहीं होगी, होगी क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6, ये छह ऑर्बिटल खाली हो गई, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि
एनएच थ्री स्ट्रॉन्ग लिखे, एनएच थ्री नहीं, स्ट्रॉन्ग तो एनएच निकिल में भी था, निकिल में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, पेयरिंग भी पॉसिबल है पर पेयरिंग के बाद में सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख। अब हम आज की आखिरी कोऑर्डिनेशन नंबर की हाइब्रिडाइजेशन, क्रोमियम NH3 6, तो बताओ sp3 डीटो या डीटो sp3। तो क्योंकि क्रोमियम NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर से बता देता हूं, ना निकेल है, ना कॉपर है, ना जिंक है, ना ही एल्यूमिनियम, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1, होना तो ये चाहिए था, पर D4 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है, तो ये फुलफिल्ड करने के लिए 4s1 3d5, तो क्रोमियम +3, 4s0 3d, क्लियर। तो अब कितने अनपेड हैं, कितने अमोनिया जोड़ने हैं, 6, कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जो बच्चे ये लाइन नहीं बोलते वो यहाँ पर सिर्फ अमोनिया देखते हैं, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और उनको याद होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कर देता है, तो वो बिना जरूरत के भी पेयरिंग कर देते, पर क्योंकि यहाँ पेयरिंग की नीड ही नहीं है, इसलिए अमोनिया अटैच। तो ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन पेयरिंग नहीं हुई, मतलब उसने ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन बना ली। तो अब वो हमको 4 एग्जाम्पल एमसीक्यू के दे देगा, और फिर कहेगा किस कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अभी तक हमने कुछ ना कुछ चेंज जरूर किया, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया, ना 4D इस्तेमाल की और ना पेयरिंग करी, तो ये स्लाइटली सबसे डिफरेंस। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा कितना, 3.83, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कॉपी मार, कॉपी मार लो तो हाय हेलो लिख देना। तो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, और अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हाइब्रिडाइजेशन। इसको पढ़ते ही कोऑर्डिनेशन में 4 मार्क पक्के, इस पोर्शन में से जितने भी मार्क का हमारा चैप्टर हो, 4 मार्क्स इस टॉपिक से आते हैं, हर साल आते हैं, ऐसा आज तक कभी ईयर नहीं गया कि सीबीएसई में, नीट में, जेई में कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग पर कोई क्वेश्चन ना हो, कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई क्वेश्चन ना हो, सीएफटी पर कोई क्वेश्चन। तो हम पढ़ रहे हैं नई कोऑर्डिनेशन नंबर, और जिसका नाम है क्या, इसका नेम है कुछ भी नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन होती, एक को कहते हैं डी एस्पिट और दूसरी को कहते हैं एस्पिट। डी एस्पिटो की स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होती,
और इसके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके ये हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, NaCN4- और इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में ये NaCl4- या फिर NaCO4। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉपर टेट्रा अमोनियम फोर सल। तो फटाफट इनको कॉपी मारा जाए, साथ में हाय हेलो भी भेजा जाए, बिना लिखे हाय हेलो मत करना। अगर बिना लिखे हाय हेलो करोगे तो बाद में पेपर के टाइम पे हाय हाय हो जाएगी। हाँ नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है। DSP2 का एक और एग्जाम्पल है। टोटल एग्जाम्पल DSP2 के फोर हैं, फोर नहीं सेवन एग्जाम्पल। DSP2 के टोटल एग्जाम्पल फोर। ये सारी ही क्लास हैं आपको गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के नाम से ऐप पर मिल सकती। हाँ आराम से लिखो। इसका एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है Cl4-। तो हम ये छह ही एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादातर एग्जाम्पल किसके हैं निकल के, मोस्टली एग्जाम्पल निकल के हैं, तो हम निकल को ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर निकल को करेंगे तो एक डायग्राम से तीन पूरे हो जाएंगे। तो करते हैं शुरू कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में हाइब्रिड, और सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनेट। इसमें निकल के ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। शायद आपको निकल का एटॉमिक नंबर याद हो गया, कॉन्फ़िगरेशन याद करने की कोई नीड ही नहीं। ये 4s2 3d8। इसमें निकल के ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, तो यही कॉन्फ़िगरेशन कैरी ऑन हो। हमने इसके बॉक्स बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में भी दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पी ठीक है सी। अब सीओ कितने सीओ जोड़ने हैं, ये बात बुक में कहीं नहीं लिखी हुई। क्लियर, ये बात बुक में कहीं नहीं लिखी हुई, तो पेयरिंग करनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि चार चाहिए और एस खाली करनी ही पड़ेगी। तो हम एस के इलेक्ट्रॉनों को खुदा कर जंप करा कर किधर ले आए, डी में चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों जंप करके पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग वहां होगी जहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे और एस खाली हो गई और पी भी खाली हो। तो एक सीओ तो यहां लग गया, दूसरा सीओ यहां लग गया, तीसरा यहां और चौथा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। और इसमें मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जो हम बाद में डिस्कस। फटाफट कॉपी किया जाए।
निकल का एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, एटॉमिक नंबर को देखकर ही लिख लो 4s2 3d8। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया कॉपी। निकल के 8 इलेक्ट्रॉन्स को d में फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को s में फिल कर दिया, 4 CO के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए थी, पर है कितनी? 3। तो हमने इलेक्ट्रॉन को उठाकर पीछे पेयरिंग करा। ये बिल्कुल ऐसे है कि घर में कोई पावरफुल गेस्ट आ जाए और उनको रुकाने के लिए 4 कमरे चाहिए और घर में 3 ही कमरे हैं। अब किसी 2 कमरे में कोई छोटे बच्चे अकेले अकेले रह रहे तो क्या करेंगे? उनको कमरा खाली करा लिया जाए और कहेंगे बेटा आज एक दिन एक ही कमरे में सो जाओ। कॉपी हो गया? अरे कॉपी हो गया क्या बिग? ओके हम आगे चलते हैं और नया एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। NaCl4, NaCl4 पर -2 चार्ज, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d8। क्लियर? अब कितने सीएल अटैच करने? 4 सीएल को अटैच करने के लिए बैकएंड ऑर्बिटल कितनी चाहिए? 4 है कितने? 1 2 3 4, ये 1 2 4। तो क्या पेयरिंग की जरूरत है? पेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में ही 4 सीएल लगते। कितना मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल है? 2.83। कैसे पता लगा? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उसमें 0.83 से लेकर 90 तक आप कुछ भी जोड़ लो, और अगर MCQ पूछा तो वो आपको लिख कर देगा, आपको कुछ जोड़ना नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए एक डाल। जस्ट अ मिनट भैया, कुछ लोग स्लो भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है क्या भैया सबका? बट नेक्स्ट हमारा बचा NaCN4। NaCN4 -2, निकल के ऑक्सीडेशन नंबर, निकल के ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। कॉन्फ़िगरेशन ये होगा D8 में फिलअप कर दी। 4 साइनेट के लिए कितनी बैकेंड ऑर्बिटल होनी चाहिए? 4 है कितनी? तो क्या पेयरिंग की नीड है? पर यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एक लोचा होता है, वो मैं समझा। 5 डी ऑर्बिटल है वो 3 और 2 के सेट में टूटती हैं पहले तो, और फिर ये फर्दर और टूट जाती ऐसे कर, और ये 2 भी टूट जाती, और जो फिलिंग होती है वो प्रोग्रेसिव होती है। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, क्या करके फिर ऊपर जाएगा 5 6 और फिर 7।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल मल्टीपल डिवाइड हो जाती, तो इनकी अलग अलग स्टोरी बन जाती। तो इस स्टोरी की वजह से विदाउट नीड पेयरिंग हो जाती, यहाँ नहीं करेंगे नेक्स्ट में करेंगे। और ऐसा सिर्फ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में ही, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल में विदाउट नीड हम पेयरिंग नहीं कर रहे थे, तो एक सी एन यहाँ लग जाएगा, दूसरा सी एन यहाँ, तीसरा पांचवा। सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो एक तो डी लग गई, एक एस, दो पी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जीरो है, इसलिए डी एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। अब हमारे पास दो बची करने को। हाँ एक सेकेंड बस दो। नेक्स्ट है हमारा कॉपर Na3C, हम ये करा रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम डिस्कस। कॉपर Na3+2, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन D9 और 4S0 है। अब कितने हमें इसमें कितने अमोनिया जोड़ने, तो 4 है, तो क्या पेयरिंग की नीड है क्या? नहीं। क्या पेयरिंग हो भी सकती है? नहीं, अकेले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहाँ से करेगा। लेकिन इसमें होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद कर पी में चला जाता, क्योंकि इसमें एक इफेक्ट मिलता है जिसका नाम होता है जॉन टेलर इफेक्ट, जो D9 में ही सबसे ज्यादा होता है। तो जॉन टेलर इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, कॉपर अपने डी इलेक्ट्रॉन को पी में भेज देता है, तो डी खाली हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन डी एसपी टू हो जाती है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.3 हो जाता है। इसका कलर ब्लू होता है, जेई में कई बार आ चुका है, लेटेस्ट आया था 21। ये इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना, क्वेश्चन ही एक, क्वेश्चन ही एक, क्लियर। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन एनसीईआरटी की है, एमएनसीएल, और मैंने इससे पहले कभी किसी को नहीं कराई। का एटॉमिक नंबर 25, 4s2, 3d5। बताओ कितने ही ऑक्सीडेशन नंबर है, नंबर +2। +2 में कौन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 4s0, 3d5। 5 में इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो। अब बताओ कितने सीएल जोड़ दें, और भैया इसी को मार्क कर लेना, मुझे लगता है बोर्ड में इस बार यही आने वाली। तो चारों सीएल कहाँ जुड़ जाए, जब चार सीएल यहाँ जुड़ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी कौन सी, और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर 5 है। एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है, सॉल्व। तो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन आपको बता रहा हूँ, Fe CO5, आप खुद करके देखना हाइब्रिडाइजेशन है। Sp3 होगी क्योंकि 5 लेंगे। ये सारी कोर्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर